द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉग ब्रीड के बारे में जिसको बोला जाता है डॉग ऑफ द किंग्स, यानी राजाओं का डॉग्स, क्योंकि इसका इतिहास ही कुछ ऐसा है। जर्मनी में 19वीं सेंचुरी में एक टाउन हुआ करता था जिसको बोला जाता था लियोनबर्ग। आज के जर्मनी में ये बादेन और वर्टेनबर्ग के आसपास है। लियोनबर्ग के काउंसलर हुआ करते थे हेनरिक एसिक्स। हेनरिक एसिक्स को बहुत ज़्यादा शौक था कि वो जितने भी किंग्स हैं उनके लिए एक डॉग ब्रीड बनाए। एक दिन वो बैठे बैठे अपने टाउन के क्रेस्ट को बड़े ध्यान से देख रहे थे। क्रेस्ट यानी एम्ब्लेम, जो एक टाउन का सिंबल होता है, उसको देख रहे थे। वो जो टाउन के सिंबल में एक लायन बना हुआ था, उस लायन को देख के जो हेनरिक एसिक्स है उनको लगा कि भाई डॉग भी एक ऐसा होना चाहिए, राजाओं के पास भी ऐसा डॉग होना चाहिए जो बिल्कुल लायन की तरह दिखता हो। तो उन्होंने फैसला किया कि वो वैसा ही एक डॉग ब्रीड बनाएंगे। और तभी उन्होंने फैसला किया कि सेंट बर्नार्ड और न्यूफाउंडलैंड को मिक्स करके एक डॉग बनाया जाए जिसका नाम रखा जाएगा लियोन बर्जर। हेनरिक एसिक्स ने लियोन बर्जर ब्रीड करने के बाद फ्रांस के राजा, रशिया के राजा और प्रिंस ऑफ वेल्स को उन्होंने गिफ्ट किया और उन तीनों ने ही बड़े शौक से रखा। उन तीनों को देखा देखी यूरोप के जितने भी रॉयल्टीज थे उन सब ने लियोन बर्जर रखना स्टार्ट कर दिया। ये एक रॉयल्टी का सिंबल बन गया लियोन बर्जर। धीरे धीरे करके लियोन बर्जर यूरोप में पॉपुलर होते रहे और एज अ वर्किंग डॉग के रूप में भी ट्रीट किया जाने लगा लियोन बर्जर को। उसके बाद लियोन बर्जर को फार्म्स वगैरह में भी यूज किया जाने लगा और लियोन बर्जर एक बहुत ही शानदार स्विमर भी है। अगर दोस्तों लियोन बर्जर के साइज की बात करें अभी के टाइम पे, तो लियोन बर्जर 31 इंच तक लंबा हो सकता है। और दोस्तों उसका जो वेट है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, फुली ग्रोन ह्यूमन बीइंग के बराबर हो सकता है। लियोन बर्जर एक ऐसा डॉग ब्रीड है जिसका मेल और फीमेल में वेट और साइज का अंतर होता है, दोनों सेम नहीं होते। मेल थोड़ा सा ज्यादा हैवी और लंबा होता है और फीमेल थोड़ी छोटी और थोड़ी पतली होती है। पर दोस्तों इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि ब्रीड का शेप ही पूरा चेंज हो जाए, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। अगर दोस्तों बात करें लियोन बर्जर फैमिली के लिए कैसा है, अगर आप पालना चाहते हैं तो फैमिली के लिए बहुत ही शानदार डॉग ब्रीड है लियोन बर्जर। वो चिल्ड्रंस के साथ भी अच्छा होता है, फैमिली के साथ भी अच्छा होता है, पर अदर डॉग्स के लिए, दूसरे डॉग्स के लिए शायद उतना अच्छा ना हो, क्योंकि वो एक रॉयल डॉग है, उसको कॉम्पिटिशन पसंद नहीं है। उसके साथ में एक और डॉग चले वो उसको पसंद नहीं है। दोस्तों अगर हम कोट की बात करें तो लियोन बर्जर एक डबल कोटेड डॉग होता है और वो बहुत ज़्यादा शेड करता है, इसलिए उसको ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उसको रेगुलरली आपको कॉम्बिंग वगैरह करनी पड़ती है क्योंकि वो शेड बहुत ज़्यादा करता है। दोस्तों लियोन बर्जर चार कलर्स में पाया जाता है, चार कलर्स रजिस्टर्ड है लियोन बर्जर के। एक है येलो, एक है रेड, एक है रेडिश ब्राउन और एक है सैंडी कलर। लियोन बर्जर के ग्रूमिंग का हमने जैसे आपको बताया था कि उसके बाल बड़े होते हैं, वो शेड करता है, तो साल में दो बार वो बहुत ज़्यादा शेड करता है और उसको हर रोज़ कॉम्बिंग की नीड होती है। लियोन बर्जर के कान के आसपास जो बाल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो उसकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो आप एक शहर में रहते हैं, एक छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसका साइज एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो एडल्ट लियोन बर्जर बहुत शांत होते हैं, पर फिर भी उसको दिन में एक बार बहुत ही इंटेंसिव एक्सरसाइज की नीड होती है। उसको एक बार तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए होता है दिन में, और उसको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर आप एक छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं शहर में, तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो दोस्तों लियोन बर्जर साइज में बहुत ही बड़ा होता है, तो इतने बड़े डॉग को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इतना बड़ा डॉग एग्रेसिव बन जाए। तो दोस्तों इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि 20 वीक से पहले ही ये डॉग सेटल हो जाए, 20 हफ्ते के होने से पहले ही ये डॉग बिल्कुल अच्छे से ट्रेन हो जाए। और अगर आप इसकी ग्रुप ट्रेनिंग कराते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, साथ साथ ये सोशलाइज भी होता रहेगा, क्योंकि ऐसे डॉग्स का सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। ये इजीली ट्रेन हो जाते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, वैसे आमतौर पर एग्रेसिव नहीं होते हैं, बट अगर आपने सिचुएशन उसको सही नहीं दी तो हो सकता है एग्रेसिव हो जाए। तो दोस्तों लियोन बर्जर पालने के लिए ट्रेनिंग मस्ट है, सोशलाइजेशन
मस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके हेल्थ की। जैसे कि मैंने आपको बोला लियोन बर्जर बहुत बड़ा और हैवी डॉग ब्रीड होता है, तो इसके हिप में दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसके पेट में भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, इसको गैस वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है इस डॉग ब्रीड को, तो इसको रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो अमेरिकन केनल क्लब के मुताबिक इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 से 8 साल ही होती है, यानी बहुत कम इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और दोस्तों ये डॉग ब्रीड इंडिया में अगर आप लेना चाहते हैं तो इंडिया में बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, बाहर से ही आपको मंगाना पड़ेगा, और इंडिया के वेदर कंडीशन में उसको रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इंडिया के लिए तो रेकमेंडेड ये ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी अगर आपको पसंद है, अगर आपको लेना ही है, तो आप ले सकते हैं। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।